ये आर्मी को आप लोग तो खुद देख रहे होंगे, ये आर्मी क्या कहना चाहते हैं आप लोग भी थोड़ा सुनिए। ये मंत्रियों लोग का राज खोल दिया, बोल रहे हैं कि पुलवामा में हमला हुआ था उसका चेक करने के बारे में, आज तक तो कुछ चेकिंग नहीं चला, सरकार बोल रही थी कि उसका चेक करेंगे। सरकार का पहला झूठ और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। राजा आर्मी के जवान लोग नंबर 1 झूठ नंबर 2 बोल रहे हैं, हाली हाली सब पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। इनका थोड़ा सुन लीजिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, जांच होगी ये होगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी। कल फिर पुलवामा में बड़ा झूठ जवान शहीद हुए हैं, कौन जवाब देगा भाई उनका? 43 जवान पहले शहीद हो गए थे, 22 जवान गलवान में शहीद हो गए थे, क्यों ये सरकार बार बार जवानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है भाई? कब तक बार बार ये जवानों के ऊपर राजनीति करेगी सरकार? फिर बोलते हैं कि एक सैनिक होगा आवाज वो मत कर, ये मत ना बोल सरकार के खिलाफ, मत बोल, क्यों नहीं बोल रहे सरकार के खिलाफ? अगर ये सरकार जब तक सैनिकों के ऊपर राजनीति करती रहेगी ना, बिना बात के सैनिकों को शहीद करवाती रहेगी, बिना बात के, कोई वो नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सैनिकों को शहीद करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब आज तक नहीं दिया, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। एक कोई वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। पुलवामा की जांच करवा दो ना, नहीं करवाए ना? श्रीलंका छोटा सा देश जिसके अंदर छोटा बम ब्लास्ट हुआ था, जेंट कैसे पकड़ कर ले गए थे लोगों को, जेंट के तक उसके तार ढूंढ दिए थे उन्होंने, अगले ही दिन एक हफ्ते के अंदर अंदर जेंट कैसे जो उधर के मुजरिम थे उनको पकड़ के ले गए थे और देना पड़ा था इंडिया को। और पुलवामा की जांच आज तक नहीं, 2-2.5 साल हो गए उसकी जांच की, आज तक नहीं की कोई भी जांच, और ना ही जांच होगी, कितना ही चिल्ला लेना कोई जांच नहीं होगी इसकी। झूठ नंबर 2, पहला झूठ गलवान घाटी पुलवामा का हमले का था, गलवान घाटी का झूठ था। तीसरा झूठ जो है 1983 पीटीआई टीचर निकाले थे, इनको नहीं लिया, अभी 6,000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, 6,000 ध्यान से सुन लेना, 6,000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे जिनको कि नोटिस दे दिया गया है, 6,000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे हरियाणा के अंदर से। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, ना ही कोई आवाज उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा? नंबर सब का आएगा, बहुत पहले बताई थी मैंने, नंबर सब का आएगा। 1983 पीटीआई टीचर आज तक रोड के ऊपर बैठे हैं, अब इनके साथ 6,000 जेबीटी टीचर बैठे।